हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा वीडियो है एज द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। मींस आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी के लिए हम मेनली चार एनसीईआरटीज को रेफर करते हैं, यानी कि क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटीज। दीज एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं, बट पहले हमें इन चार एनसीईआरटीज की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। एटलीस्ट उनकी दो दो रीडिंग्स तो कंप्लीट होनी चाहिए। सो राइट नाउ हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इंडिया ज्योग्राफी, उसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर के ऑलरेडी दो पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। पार्ट्स में इसलिए बनाए क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर था, लेंथी चैप्टर था, तो एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, आपको बताना चाहूँगी कि हम ज्योग्राफी जिस तरह से पढ़ते हैं, हम सिर्फ ऐसा नहीं करते कि बुक के थ्रू ही पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा अगर आप पहले से मेरे लेक्चर्स देख रही हैं, दैट हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया ये वाली मैप बुक रेफर करते हैं, राइट? ये वाली मैप बुक। सो आपको बता देती हूँ कि इस मैप बुक में किस तरह से सब कुछ दिया हुआ है। इसमें वर्ल्ड मैप है, इंडिया का मैप है, बट राइट नाउ हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सो हमने यहाँ पे इंडिया का जो मैप है उसको रेफरेंस लेके हम इस तरह से, आपको मैं ज़रा एक अच्छे से व्यू देती हूँ इसका। इस तरह से एक मैप बुक अवेलेबल है मेरे पास, तो इस मैप बुक के जो है हम यहाँ पे इंडिया के बारे में पढ़ते हैं इस मैप बुक की हेल्प से। सो दैट्स इट। इसे इसकी जब भी ज़रूरत होगी हम इसे यूज़ करेंगे, बट राइट नाउ हम जो है चैप्टर नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे पहुँचे हैं। सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। और इससे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के जो भी दो पार्ट्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप किसी भी ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं जिसमें कि जीएस एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जीएस की वेटेज रहती है, तो उसमें ज्योग्राफी की भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वेटेज रहती होगी, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए, आई होप। और मैंने सब कुछ बहुत ही लूसिड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी मोर ड्यू। सो द नॉर्दर्न प्लेन, सबसे पहले अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हम यहाँ पे जो है ये चीज़ पढ़ रहे हैं, हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? तो इससे पहले भी हमने फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ा था, हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, राइट? तो उसमें हमने पहले हिमालयस फर्स्ट वाला पार्ट, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम कवर करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। ये जो वीडियो होगी ये हिंदी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बुक इंग्लिश में है तो वीडियो भी जो है पूरी की पूरी इंग्लिश में होगी। हम बहुत ही इसे बिल्कुल बेस लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट स्टार्ट। हिमालयस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो लेट स्टार्ट विद द नॉर्दर्न प्लेन। सो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या आते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाई द एल्यूवल डिपॉजिट्स ब्रॉट बाई द रिवर्स। मतलब नदियाँ जब अपने साथ मिट्टी बहा के लेकर आती हैं तो वो एल्यूवल डिपॉजिट्स मतलब उपजाऊ ज़मीन बनाती हैं। वो पहाड़ों से मिट्टी लेके आती हैं और ज़मीन पर आके उसे इकट्ठा कर देती हैं और वो मिट्टी बनती है फिर हमारी एल्यूवल डिपॉजिट्स, मीन्स जो उपजाऊ मिट्टी होती है, राइट? इसमें रिवर्स कौन कौन सी लाती हैं? इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र, राइट? सो द प्लेन्स एक्सटेंडेड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंड दिया है। अब हम इसमें पूरे के पूरे जो पैराग्राफ्स हैं वो नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली जो है जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं और जिनको मैंने मार्क किया है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। हमने आपको एक बार थोड़ा सा मैप के थ्रू बता देती हूँ, अगर आपने ओल्ड लेक्चर जो है वो देखा होगा तो हमने यहाँ पे हिमालयास के बारे में पढ़ा था, राइट? तो ये सबसे नीचे वाली यानी सबसे लोअर पार्ट जो होता है दैट इज शिवालिक्स, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं शिवालिक्स आता है। सो शिवालिक के नीचे जो है ये एल्यूवियल प्लेन है, ये सारी उपजाऊ मिट्टी है, ये यूपी बिहार वाली बहुत उपजाऊ मिट्टी है, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे कहा है दैट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर जोन्स, भाभर, तराई एंड द एल्यूवियल प्लेन्स, राइट? सो एल्यूवियल प्लेन्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं,
खादर एंड भंगार। इन्होंने पहले कहा हम भाबर में डिवाइड करेंगे, फिर हम तराई में डिवाइड करेंगे, फिर हम खादर और भंगार में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमने हिमालयस पढ़े इस तरह से होते हैं, इस तरह से, राइट। जो मैंने थोड़ा सा रफ वे में बनाया है कि सबसे ऊपर शिवालिक्स आते हैं, शिवालिक के नीचे भाबर, भाबर के नीचे तराई और तराई के नीचे उपजाऊ मिट्टी, एल्यूवियल डिपॉजिट्स, एल्यूवियल प्लेन्स। तो भाबर और तराई क्या है वो देखते हैं, शिवालिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाला अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखोगे ना तो आपको चीज़ें समझने में ईजी होगा कि जहाँ पे माउंटेन्स जो हमारे हिमालयाज हैं खत्म होते हैं, मतलब शिवालिक्स पे, उसके नीचे आता है भाबर, तराई एंड देन एल्यूवियल प्लेन्स। भाबर क्या होते हैं देखते हैं। भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 10 किलोमीटर्स बिटवीन टू द शिवालिक फुट हिल्स, मतलब शिवालिक के फुट हिल्स पे 8 से 10 किलोमीटर की एक नैरो बेल्ट है, वो कहलाती है भाबर। इसकी जो विड्थ है वो है 8 से 10 किलोमीटर। देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट हैवी मटीरियल्स ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स एंड एट टाइम्स डिसअपियर इन द जोन। क्या होता है, हमने पढ़ा कि नदियाँ अपने साथ जो है वो पहाड़ों से मिट्टी लेकर आती है और प्लेन एरिया में उसे डिपॉजिट कर देती हैं और वो बन जाती है उपजाऊ मिट्टी, राइट। लेकिन क्या होता है कि नदियाँ जब अपने साथ रॉक्स एंड बोल्डर्स लेकर आती है तो कई बार वो इतनी ज़्यादा मिट्टी ले आती है कि वो खुद में ही नदियाँ डिसअपियर हो जाती हैं, वो नदी ही ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है अर्थ में। तो जिस एरिया में वो डिसअपियर होती है उसे कहते हैं भाबर। भाबर यानी कि ये वाला पार्ट जहाँ पे नदियाँ जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट बोला है साउथ ऑफ द भाबर इज द तराई बेल्ट। हमें पता है साउथ ऑफ द भाबर यानी भाबर के नीचे तराई बेल्ट है, 10 से 20 किलोमीटर इसकी विड्थ है। वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल देयर बाय क्रिएटिंग मार्शी एंड स्वैम्पी कंडीशंस नोन एज तराई। This has a luxurious growth of natural vegetation and houses a varied wildlife. अब इन्होंने क्या कहा है कि भाभर में क्या होता है, नदियाँ आती हैं इतनी मिट्टी लेकर आती है कि वो खुद में डिसअपियर हो जाती हैं। तराई में क्या होता है कि वो कई बार मिट्टी वगैरह लाती है, गीली मिट्टी होती है तो वहाँ पे स्वैम्पी कंडीशंस हो जाती हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं स्वैम्पी कंडीशंस हो जाती हैं, इन कंडीशंस को बोलते हैं तराई, मतलब दलदल वाली मिट्टी हो जाती है, राइट। और दलदल वाली मिट्टी मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली जानवरों के लिए बहुत अच्छी होती है, राइट। फिर हमने सबसे ऊपर एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट टाइम शिवालिक से है, भाबर है, तराई है, देन एल्यूवियल प्लेन्स है। हमने भाबर किया, हमने तराई किया, अब हम एल्यूवियल प्लेन्स करेंगे, ठीक है जी। तो साउथ जो होता है तराई, यानी तराई के नीचे एक बेल्ट आती है जिसमें ओल्ड एंड न्यू एल्यूवियल डिपॉजिट्स, दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। एक होते हैं भंगार या भंगर, एक होती है खादर, राइट। दीज प्लेन्स हैव करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स सच एज सैंड बार्स, मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ब्रेडेड चैनल्स। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे चलते हैं, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन बिफोर इट टेक्स एंड ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न। तो यहाँ पे देखिए प्लेन्स के बारे में इतना ही था, आगे कुछ भी नहीं है। इसमें बताया कि ब्रह्मपुत्र रिवर की डायरेक्शन क्या है, वो जब हम रिवर्स पढ़ते हैं तो उसमें अच्छे से जो है वो क्लियर होती हैं ये चीज़ें। सो हमने पढ़ा प्लेन्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्लेटू क्या होता है, प्लेटू मतलब पठार क्या होता है। सो देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यह है हमारा इंडिया का, साउदर्न इंडिया का मैप, पूरा इंडिया का नहीं शो कर रही हूँ, सिर्फ साउदर्न इंडिया का शो कर रही हूँ। तो पेनिनसुला का मतलब होता है ज़मीन का वो भाग जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। सो ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अब हम पढ़ेंगे, राइट। सो है इसमें लिखा है राइजिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 150 मीटर, मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 150 मीटर होती है, एलिवेशन है 600 से 900 मीटर, राइट। इसमें जो है कुछ भी खास नहीं दिया, एक बार देख लेते हैं। दी राजमहल हिल्स आती हैं, गार रेंज आती है, कार्डेमन हिल्स आती हैं, हाउ एवर एन एक्सटेंशन ऑफ देयर इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। मतलब हमने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में ऑलरेडी जो है बहुत अच्छे से कर लिया है, सो हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, लाइक
दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया. हमें ऑलरेडी पता है कि ये ओल्डेस्ट पार्ट है एंड मोस्ट स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, राइट. सो यहाँ पे हैं इसके कुछ फीचर्स आते हैं, जैसे टॉर्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, रिफ्ट वैलीज हैं, स्पर्स हैं, बेयर रॉक स्ट्रक्चर्स हैं, हमॉकी हिल्स हैं एंड वॉललाइक क्वार्टसाइट डाइक्स हैं, राइट. फिर आता है कि द भीमा फॉल्ट नीड्स स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ द रिकरेंट सिस्मिक एक्टिविटीज. द पेनिनसुलर प्लेटू हैज अंडरगॉन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस एकम्पेंड बाय द क्रिस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स. क्या होता है कि अब जैसे कि कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे कई बार बाढ़ आ जाती है, एक तरह से फ्लड आ जाता है या साइक्लोन आ जाता है, तो ज़मीन ऊपर नीचे होती रहती है. मतलब वो कई बार ज़मीन उठ जाती है, कई बार वो पानी के नीचे आ जाती है. तो ये बताया, तो भीमा फॉल्ट जो है वो एक इसका एग्जाम्पल है. फिर यहाँ पे इन्होंने प्लेटूस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, द डक्कन प्लेटू, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. डक्कन मतलब डक्कन का पठार, राइट. इसमें आता है पेनिनसुलर पार्ट साउथ इंडिया का. फिर है द सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब मध्य भारत का पठार, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का पठार है वो. डक्कन प्लेटू के बारे में करते हैं, दिस इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, मतलब इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, सतपुड़ा है, मैकार रेंज है, महादियो हिल्स है नॉर्थ में. इनको जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सह्याद्री कहा जाता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी कहा जाता है कर्नाटक में और तमिलनाडु में, अनमनाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स कहा जाता है केरला में. वेस्टर्न घाट्स जो होती हैं इनका हाई एलिवेशन है और ये ज़्यादा कॉन्टीन्यूस हैं देन ईस्टर्न घाट्स, राइट. मतलब इनका एलिवेशन मतलब वेस्टर्न घाट जो है उनकी हाइट ज़्यादा है, राइट. एंड वो जो है ज़्यादा कॉन्टीन्यूस है, उन्हें पासिस नहीं आते हैं ज़्यादा. सो द एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर विद द हाइएस्ट इंक्रीजिंग हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ में इनकी हाइट ज़्यादा है और साउथ में आते आते कम हो जाती है. और जो साउदर्न इंडिया है यानी जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसकी जो हाइएस्ट पीक है दैट इज़ अनाई मुड़ी जो कि 2695 मीटर है. और इसकी जो हाइएस्ट पीक है, हाइएस्ट पीक of peninsular plateau is located on the Annamalai hills on the western ghat by Dodabit on Nilgiri hills. So jo pura ka pura hamara peninsula part hai uski jo highest peak hai wo hai Annamalai, right. aur jo eastern ghat hai uski hai Mahendragiri. yahan pe kuch aur important nahi hai. then the central highlands yahan pe hai, they are bounded to the west by Aravali range. द सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड प्लेटूज. यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं ये क्लासिक एग्जाम्पल हैं रेलिक्ट माउंटेन्स का, विच आर हाईली डिन्यूडेड एंड फॉर्म डिसकॉन्टीन्यूस रेंजेस. इसमें जो है क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स आते हैं, सैंड ड्यून्स कॉल्ड बार्चन. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं. यहाँ पे ये आप इमेजिन कर लीजिए, राजस्थान की कोई इमेज है तो यहाँ पे जो ये धूल है इसकी जो लाइन्स बनी है इन्हें कहते हैं सैंड ड्यून्स. तो इन सैंड ड्यून्स को कहा जाता है बार चंस. सो द नॉर्दर्न बानस या बनास इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चंबल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावलीज इन द वेस्ट. अरावलीज से ओरिजिनेट होने वाली बानस ही इकलौती ऐसी नदी है, ठीक है, जो अरावलीज के वेस्ट में ओरिजिनेट होती है. देन कम्स द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. सो इनफैक्ट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेटू. जो मेन पेनिनसुलर प्लेटू है उसी की एक्सटेंशन है. और इसमें यही इंपॉर्टेंट आता है कि मेघालय प्लेटू और कार्बी अंगलोंग प्लेटू, ये है असम में, ये दो नॉर्थ ईस्टर्न के इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं. यहाँ पे गारो हिल्स आती हैं, खासी हिल्स आती हैं, जयंतिया हिल्स आती हैं, ये सारी मेघालय में हैं. देन मेघालय प्लेटू हैज अ हाईली इरोडेड सर्फेस. मतलब प्लेटू होता है पठार, उसमें से मिट्टी जो है वो इरोड हो चुकी है बार बार, राइट. चेरा पुंजी डिस्प्लेज अ बेयर रॉकी सर्फेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर, राइट. तो यहाँ पे कोई परमानेंट वेजिटेशन कवर नहीं है. दैट्स इट, ये हो गया हमारा पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में. आप सोच रहे होंगे बहुत फास्ट कर दिया, बट इसमें जो है बहुत सारी जो है स्टोरीज दी गई हैं तो वो पढ़ने वाली नहीं है. बेशक हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, पर पहले हमें फर्स्ट रीडिंग में चीज़ों को समझना है. सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया है. देन कम्स द इंडियन डेजर्ट्स. इंडियन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. इंडियन डेजर्ट देखिए, हमें पता है जो राजस्थान वाला पार्ट है और थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है उसमें इंडियन डेजर्ट आता है. इन्हें मरुस्थली भी कहते हैं, ठीक है. और ऐसा इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है
दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा दिस रीजन वॉज अंडर द सी. मेसोजोइक एरा के टाइम ये एरिया जो है वो सी में था, मतलब पानी के अंदर था ये एरिया. दिस कैन बी कॉरबोरेटेड बाई द एविडेंस अवेलेबल एट वूड फॉसिल पार्क एट अकाल एंड मैरिन डिपॉजिट्स अराउंड भ्रमसार. यहाँ पे कुछ डेजर्ट लैंड फीचर्स बताए हैं जैसे मशरूम रॉक्स हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स एंड ओसेज. इसमें बस यही है. देन कोस्टल प्लेन्स, अब चलते हैं कोस्टल प्लेन्स में. जो है कोस्टल प्लेन होता है मतलब लैंड का वो एरिया जो थोड़ा पानी के साथ आता है. तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया में सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं है, प्लेटूज ही नहीं है, रेगिस्तान ही नहीं है, बट ऐसे पार्ट्स भी हैं जैसे कि ओशंस हैं, बीचेस हैं. तो सी से लगते या ओशन से लगती हुई ज़मीन भी है. कोस्टल प्लेन्स में यही आता है. कोस्टल प्लेन्स में आता है द मालाबार कोस्ट हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स बैक वाटर्स. और ये जो है फिशिंग के लिए अच्छा होता है. एंड एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि बोट रेस इज हेल्ड इन पुनुमादा क्याल केरला. सो इसमें बस यही बताया कोस्टल लाइन में यही होता है कि जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे कोस्टल लाइन है. बात करें इंडिया में, इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन गुजरात की है, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, देन तमिलनाडु की है. इस तरह से देन कम्स द आइलैंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द आइलैंड्स. आइलैंड्स में क्या होता है हमें पता है, एक बार इसको हमें मैप से ही करना चाहिए, इस तरह से बुक से करके आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी. सो चलिए मैप से करते हैं. एटलस ओपन कर रही हूँ मैं. सो हेयर इज द मैप. हम सिर्फ साउदर्न पार्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, राइट. सो पहले तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरेबियन सी है यानी अरब सागर. सो पहले हम करते हैं बे ऑफ बंगाल के बारे में. यहाँ पे कौन से द्वीप समूह आते हैं? अंडेमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मींस अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं. और जो लक्षद्वीप समूह है वो अरेबियन सी यानी पश्चिम में वेस्ट में आता है. तो पहले अंडेमान एंड निकोबार के बारे में करते हैं. अंडेमान एंड निकोबार, राइट, ये बहुत सारे आइलैंड्स का द्वीप समूह है, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ये है कि 2004 में क्या हुआ था, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स में वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टिंग नेचुरल कैलमिटी आई थी. ठीक है, तो इसमें उन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि आपको उस कैलमिटी के बारे में पढ़ना है, राइट. तो इसमें जो है अंडेमान ग्रुप के बारे में बताया कि इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है नॉर्थ में जो कि है अंडेमान, एक है साउथ में जो कि है निकोबार, राइट. ये दोनों जो है एक वाटर बॉडी से सेपरेट होते हैं जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल. 10 डिग्री चैनल से अंडेमान और निकोबार जो है वो अलग होते हैं. एंड इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, कि ये माउंटेन्स ही हैं. देन हम पढ़ते हैं बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज ऑल्सो सिचुएटेड इन निकोबार आइलैंड्स. जो एक्टिव इकलौता यानी वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का बैरन आइलैंड, वो अंडेमान निकोबार्स में है, एस्पेशली निकोबार आइलैंड्स में. फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स के बारे में बताया है अंडेमान एंड निकोबार में. वो है सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब एंड माउंट थुइलर. तो आपको सिर्फ इनके नाम, इनके आइडियाज़ होने चाहिए क्योंकि आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा इतना टफ कि आप माउंटेन पीक्स के नाम बताइए. बट प्री में ज़रूर आ सकता है कि माउंट कोयोब जो है ये कहाँ पे है, राइट. सो ये हो गया हमारा अंडेमान एंड निकोबार के बारे में, राइट. यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है. तो अभी हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेते हैं इसे. यह है अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडेमान और निकोबार को अलग होते हैं दोनों 10 डिग्री चैनल से, और कोका आइलैंड जो कि म्यांमार का है और जो अंडेमान से इनको अलग करता है कोको चैनल. सो दैट्स इट. अब हम चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ. द आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय. यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये आइलैंड्स आते हैं, राइट. फिर उसके बाद यहाँ पे है The entire island group is built of coral deposits. Coral reef, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एनवायरमेंट में या ज्योग्राफी में भी कह सकते हैं, बट वो हम जो है इकोलॉजी एनवायरमेंट इस चीज़ में पढ़ते हैं, कोरल डिपॉजिट्स. तो आपको बस पहले तो यही याद रखना है कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल डिपॉजिट से बना है. एंड मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर.
मिनिकॉय जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका एरिया 453 स्क्वायर किलोमीटर है. सो द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11th डिग्री चैनल नॉर्थ ऑफ विच इज एमिनी दीव आइलैंड एंड टू द साउथ कैनोर आइलैंड. सो ये क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं. सो हमने कहा कि अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, राइट. तो लक्षद्वीप में कवारती और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव्स यानी मेल को अलग करता है 8 डिग्री चैनल. 9 डिग्री करता है कवारती और मिनिकॉय को, 8 डिग्री करता है मिनिकॉय और मालदीव्स को. और आपको ये चैनल जैसे 9 डिग्री है, 8 डिग्री है, कोका चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ये याद रखने होते हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, कवारती एंड मिनिकॉय को. सो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट दी है. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11th डिग्री चैनल जिसके नॉर्थ में अमीनी द्वीप आइलैंड है और साउथ में कैनोर आइलैंड है. सो द आइलैंड्स ऑफ दिस आर्कियोपेलिगो हैव स्टॉर्म बीचेस कंसिस्टिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, शिंगल्स, कॉबल्स एंड बोल्डर्स ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड. तो आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी. ये तो हमने आइलैंड्स के बारे में किया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे एक्सरसाइजेस दी होती हैं, यहाँ पे कुछ MCQs दिए होते हैं. जब आप एक बार चैप्टर खुद से रीड कर लोगे, एक बार वीडियो चेक कीजिए, खुद से रीड कीजिए, जब आप ये चीज़ कर लोगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. एंड देन जब आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म में भी दिए गए हैं. सो आपको इन क्वेश्चंस को करने की भी ट्राई करनी है क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. प्लस यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपको आंसर राइटिंग की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स के आंसर्स लिखते हुए आपको टाइम लगेगा, बट देन कुछ टाइम के बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी अच्छी स्पीड बन जाएगी एंड आंसर राइटिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. अभी हमने सेकेंड चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है. सो द थर्ड चैप्टर इज द ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, राइट. थर्ड चैप्टर भी हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर है. इसमें रिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं. सो हम वो सब पढ़ेंगे. एक बार इंडेक्स चेक कर लेते हैं. इंडेक्स में आता है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं जो हम कर चुके हैं. देन यूनिट 2 फिजियोग्राफी, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पढ़ते हैं, ये भी हम कर चुके हैं. सो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मीन्स ड्रेनेज सिस्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जिन्हें की जोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर GS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें GS वेटेज रखता है. देन शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट फॉर श्योर. एंड थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, बाय बाय.